हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में, एज यू कैन सी, माय हेयर्स काफ़ी डल से हो गए, तो इन्हें मैं थोड़ा सा रीटच देना चाहती हूँ एंड थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ। सो इसके लिए मैंने लिया है दिस स्ट्रीक्स का हाईलाइटिंग किट एंड इट्स इन द शेड कैपेचिनो ब्राउन। ये कॉफ़ी कलेक्शन है एंड मुझे थोड़ा सा ऐशी कॉफ़ी सा शेड चाहिए था। सो या आज हम ट्राई करेंगे दिस। So, let's start. Okay, so सबसे पहले हम हमारे हेयर को थोड़ा सा फॉर्म कर लेते हैं। So, as you can see, कितना डल सा हो गया है ना कलर। मुझे हेयर, लास्ट हेयर कलर मैंने आई थिंक 3 to 4 नहीं अराउंड 6 मंथ्स पहले किया था, लास्ट ईयर ही मान लो आई गेस। सो तो ये है मेरा कलर एंड ये बहुत ही डल सा हो गया है। आई नो बाल में कुछ अच्छी सी शाइन तो आ गई है बट थोड़ा सा हाइलाइटेड चाहिए एंड या तो स्टार्ट करते हैं एंड इसमें जो स्टेप्स हैं हम वो फॉलो करेंगे। सो लेट्स सी, फर्स्ट स्टेप है चूज द हेयर स्ट्रेंड्स यू विश टू हाईलाइट, एम्प्टी द एंटायर कंटेंट ऑफ द ब्लॉन्डर पाउडर एंड सेशे एंड डेवलप 1 सेशे इन अ बाउल 1:2 रेशियो, मिक्स वेल। ओके, तो पहले सब कुछ निकाल लेते हैं। सो इसमें लिखा हुआ है या स्टेप 1 है ये एंड फॉर द स्टेप 2। सो स्टेप 1 लगाने के बाद आपको आई थिंक वॉश करना पड़ता है या लूक वार्म वाटर से इसको 30 मिनट रखने के बाद आपको वॉश करना है एंड थोड़ा सा ड्राई होने के बाद आपको सेकेंड प्रोसेस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैंने यहाँ एक कंटेनर ले लिया है एंड इसके साथ आपको ब्रश भी मिलता है मिक्सिंग के लिए एंड ओके। सो ये है ब्लॉन्डर एंड ये है डेवलपर। सो इसे हम अच्छे से मिक्स कर ले। तो इसमें लिखा है एंटायर सेशे हमें डालना है जिससे कि जहाँ भी हमें हाईलाइट करना है वो प्रॉपरली हो पाए। डेवलपर ये 30 ml को जाता है एंड इसे भी हमें पूरा ही डालना है। मैंने ये स्ट्रीक्स का पहले भी ट्राई किया हुआ है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अफोर्डेबल भी है। लॉरियल वगैरह के काफ़ी एक्सपेंसिव है बट उनकी क्वालिटी भी आई गेस ज़्यादा ही अच्छी होती है। बट या हाईलाइटिंग के लिए यू कैन ट्राई दिस। अगर आपको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करने हैं, थोड़े थोड़े स्ट्रिंग्स ही करने हैं तो यू कैन गो फॉर इट। ओके, सो ये मैंने कंप्लीट डाल दिया है, मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा इसको ताकि थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। या अब थोड़ा क्रीमी हो रहा है, आई थॉट मैंने कुछ ज़्यादा डाल दिया बट अब कुछ ठीक लग रहा है। मिक्स हो गया है एंड देन अप्लाई द मिक्सचर ऑन द चूज़न हेयर स्ट्रैंड विद द लाइटनिंग ब्रश, लीव इट फॉर 30 मिनट्स, वॉश हेयर आफ्टर 30 मिनट्स विद शैम्पू एंड लूक वार्म वाटर अंटिल वाटर रन्स क्लियर, ड्राई हेयर वेल बिफोर प्रोसीडिंग टू स्टेप 2। ओके, तो हम सेक्शन कर लेते हैं कि हमें हमें कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। मुझे ना नीचे नीचे की साइड ही करना है, ऊपर ऊपर
एंड इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन खत्म होता है. ओके, सो मिलती हूँ आपसे 30 मिनट्स बाद. ओके गाइस, सो मैंने हेयर वॉश कर लिया है एंड एज यू कैन सी नीचे से थोड़े थोड़े से हाईलाइट हो गए हैं. एंड अब हम करेंगे स्टेप टू. ओके, सो यहाँ ग्लव्स थे और मैंने ग्लव्स लगाए नहीं, सो मुझे थोड़ा सा ये वाइट वाइट निशान हो गए. सो आप ध्यान रखें बिना ग्लव्स के ना करें. सो ये है डेवलपर. एक और क्लीन बाउल लिया मैंने. सो एज यू कैन सी अभी से कलर आ गया है, तो मैं पहन लेती हूँ ग्लव्स एंड देन ये मिक्सचर थोड़ा ऐसा टर्न आउट हो गया है. सो जहाँ जहाँ हमने अप्लाई किया है और उसको भी मैं पहले कॉम कर लेती हूँ, ये अच्छे से अप्लाई होगा. फुल्ली ड्राई नहीं हुआ है, सेमी ड्राई है. आई थिंक मुझे दूसरा भी पहन लेना चाहिए. ओके, सो अप्लाई कर लिया है मैंने एंड इसे भी हम रखेंगे फॉर 30 मिनट्स एंड उसके बाद आई शो यू द फाइनल रिजल्ट्स. सो दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइस, आई होप आपको दिख रहा होगा. सो मैंने आई थिंक इसमें सिर्फ ब्लॉन्ड कलर नहीं होता है, उसको अच्छे से क्या बोलते हैं ना, उसे अच्छे से डेवलपर के थ्रू आप कंडीशन कर सकते हैं या रीटच कर सकते हैं. दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा इस टाइप से मेरे ही कलर में मर्ज हो गया है एंड शाइन भी एज यू कैन सी अभी भी काफ़ी सॉफ्ट है. मतलब ब्लॉन्ड करने के बाद यू नो वो थोड़े से हार्ड, थोड़े से हार्श से हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं एक्चुअली एंड ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है. सो या ये रीटच हो गए हैं एंड मुझे कुछ इतना सिमिलर सा ही चाहिए था. सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड काफ़ी मेकअप एंड हेयर्स एंड ड्रेसिंग एंड फैशन रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी. सो अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो डू सब्सक्राइब एंड या मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.